अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जयपुर में दो दिवसीय अधिवेशन में पहुंचे देश भर के जिम्मेदारान। दूसरे दिन होगा 27 समाज की हस्तियों का सम्मान। वैशाली नगर स्थित शिवकुंज मैरिज गार्डन में दो दिवसीय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन रखा गया। दो दिवसीय अधिवेशन में क्षत्रिय समाज में शिक्षा को लेकर चर्चा के साथ ही वीरांगनाओं और विधवाओं और देश प्रथा को रोकने के ऊपर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा, 1897 में बनी महासभा ने पूरे देश के क्षत्रियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। आज पूरे देश भर में जमीनी सतह पर 30 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शक्ति सिंह ने कहा कि दो दिवसीय अधिवेशन में सामाजिक तरक्की, खास तौर पर बालिकाओं की शिक्षा को लेकर और गरीब बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी निभाने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज 268 बच्चियों को शिक्षा पूरी करवाने का उन्हें गोद लेकर निभा रहे हैं जिम्मेदारी। आपका सम्मान समारोह भी है, तो किस तरीके का सम्मान समारोह आपके इस प्रोग्राम में होगा? ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो आज कार्यकारिणी की सभा हुई है, ये भिन्न भिन्न प्रदेशों से, यहाँ पे कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से, अपना हरियाणा से और इससे अपना उत्तराखंड से और राजस्थान से, गुजरात से, रांची से और कर्नाटका से ये लोग आए हैं और सब ने आप अपने विचार यहाँ पे प्रकट किए हैं क्षत्रिय समाज के उत्थान के। किस तरह के कार्यक्रम दो दिन का रहेगा जिसमें आपका सम्मान समारोह है, तो किन लोगों को सम्मान करेंगे आप, किस तरीके के सम्मान? इसमें जो कल होगा वो सम्मान समारोह, उसमें सम्मान समारोह जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस की है, कोई हमारा मंत्री बने हैं या कोई हमारे समाज सेवा की है और किसी भी फील्ड का, चाहे वो मिलिट्री में हो, असाधारण जिसने भी काम किए हैं या समाज के लिए किया है, तो उसको हम सम्मानित करेंगे। हमने एक महीना पहले ही उनको मैसेज किसी भी पेपर में निकलवा दिया था, जिसको भी ये है तो उन्होंने हमने हमारे पास अपनी सारी की सारी उपलब्धियाँ भेजी, तो हमारी कमेटी ने उसमें सेलेक्ट किया हुआ है जो कि कल उनको हम सम्मानित करेंगे। तो इसमें जो समाज के कुछ गरीब परिवार हैं, उनकी शादी ब्याहों को या दहेज को लेकर के जो बुराइयाँ फैल रही हैं, उसको लेकर के समाज या आपकी सभा किस तरीके का काम करेगी? ये दहेज प्रथा बहुत ही बुरी है, हम पूरा का पूरा आह्वान कर रहे हैं, हम अपने क्षत्रिय भाइयों को, दूसरे सामाजिक संगठनों को भी, ये दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और जहाँ तक हमारी गरीब समाज की कन्याओं के लिए शादियों की बात है, तो हम ये सोच विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक हम 5 अपने समाज की गरीब कन्याओं के लिए हम उनकी शादी जरूर करेंगे, अगले साल से पहले पहले, मैं अपना कार्यकाल से पहले। आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दें। मैं ठाकुर कुलदीप सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय। शक्ति सिंह जी, आपके प्रदेश के अंदर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कार्य करने की बैठक हुई, क्या क्या फैसले लिए हैं या सरकार से, अभी क्योंकि नवंबर में चुनाव भी हैं, उसको लेकर के किस तरीके की आप लोग तैयारियां कर रहे हैं कि सरकार से आने वाले वक्त में, अभी हालांकि बीच में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था, उसको लेकर के सरकार को काफ़ी झटका भी लगा था, लेकिन अब आगे नवंबर में चुनाव में किस तरीके की आपकी रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो सारे मीडिया बंधुओं, चैनल्स का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे कवरेज के लिए आए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन, अभी जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लिए जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन 29 तारीख और 30 तारीख दो दिन चलेगा। 29 तारीख को आज सुबह हमने सर्वप्रथम जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह जी की स्टेचू पर पहुँच कर उनको माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद सूर्य के प्रति जनरल सगत सिंह जी, जिन्होंने बांग्लादेश युद्ध में और गोवा को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय सेना में रहते हुए दी, ऐसे अमर शहीद के स्टेचू पर हम हाजिर हुए। उनके पुत्र और उनकी पोत्री भी वहाँ उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माल्यार्पण किया। उसके बाद यहाँ आकर और हमने जो है पूरा आज की कार्यकारिणी की व्यवस्था कर और निर्णय लिए हैं, उसका एजेंडा हम आपको अभी आपको प्रस्तुत कर देंगे। नई कार्यकारिणी को लेकर किस तरीके की आपकी
चल रही है कि कब तक नई कार्यकारिणी बनाएंगे प्रदेश में या प्रदेश की भी? प्रदेश की कार्यकारिणी ऑलरेडी बनी हुई है और प्रमाणित भी है। ठीक है, यानी सेंटर से जो है रजिस्टर्ड होकर आ गई है, प्रदेश की कार्यकारिणी काम कर रही है और प्रदेश की कार्यकारिणी में लगभग 45 लोग हैं जो पूरे प्रदेश में देखते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगभग 17 जिलों में राजस्थान के में हमारी कार्यकारिणी खूब एक्टिवली काम कर रही है और लगभग लगभग जिलों में जिलाध्यक्ष हमारे पहले से ही। किस तरीके के जमीनी स्तर पर काम कर रही कार्यकारिणी? हमारी जो कार्यकारिणी है एक्चुअली हमारे सारे जो उद्देश्य हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित है और हमारी कार्यकारिणी जो काम कर रही है राजस्थान में, तो सबसे पहले शिक्षा की बात करूँ मैं आपको, शिक्षा में जितने भी गरीब बच्चे हैं, बालिकाएँ हैं, विधवाओं के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को लगभग हमने 250 बच्चे 268 बच्चे हैं कोरोना काल से अब तक जिनके पेरेंट्स उनको छोड़कर चले गए या जो आर्थिक दृष्टि से इतने कमज़ोर हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते या विधवाएं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती उनको हमने गोद ले रखा है और गोद लेकर हम लगभग 250 बच्चों को फ्री एजुकेशन दिला रहे हैं। और इसी के साथ न तो किसी मीडिया में इस खबर को छापते हैं, न कोई फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ उनका सहयोग करना, उन सब क्षेत्रीय बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, न कि उसका कोई रिवार्ड लें। दूसरा, हम महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के भी लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनको हम इस तरह के जो है मौके दिला रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं ताकि वो अच्छी जगह जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकें, प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकें। और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी जो स्कीम्स चल रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उन सब में हमारे क्षत्रिय समाज की युवा महिला वो सब उसका लाभ ले सके। आपने राजनीतिक दृष्टिकोण की बात की, तो राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रतिनिधित्व है राजस्थान में संख्या की दृष्टि से वो पूरा हमें मिले। और जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में हम क्षत्रिय एक तरफा जो महत्वपूर्ण संख्या रखते हैं वहाँ हमारे समाज के व्यक्तियों को ही टिकट दिया जाए। अगर राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं करेगी तो हम राजनीतिक पार्टियों को निश्चित रूप से उसका करारा जवाब देंगे और हमें राजस्थान में अपना पूरा प्रतिनिधित्व चाहिए। ठीक।